गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह चौहान है और मैं राजस्थान के एक छोटे से ज़िले टोंक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी एक तहसील है निवाई, वहाँ का रहने वाला हूँ और बचपन से ही मैं जयपुर में रह रहा हूँ। आज से 40 साल पहले मेरे पिताजी जयपुर आ गए थे जॉब की तलाश में और उन्होंने प्राइवेट जॉब जयपुर में करना स्टार्ट किया और मैंने अपने जीवन में एक ही चीज़ देखी दोस्तों, सिर्फ अभाव, संघर्ष, ऑब्स्टेकल्स, समस्याएं। और ये सब मैंने देखा कि मेरे जीवन में नहीं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से, इन समस्याओं से, इन अभावों से ग्रसित हैं, उनका जीवन इन अभावों से जूझ रहा है। समस्या कहाँ है इसकी तलाश हमें करनी है। तलाश मैंने की और उस तलाश से मुझे एक समाधान भी मिला। उस समाधान का नाम है मोदी केयर। मोदी केयर में ज्वाइन होने के बाद में मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आए ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। उससे पहले आज जो मैं हूं, यहां तक पहुंचने से पहले मैं क्या था वो बताना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक इंसान जब सफल हो जाता है तो उसकी सफलता के तो तराने हर कोई गाता है, लेकिन उस सफल होने के पीछे जो संघर्ष था उसका, उसको कोई नहीं जानता है। वो संघर्ष मैं आपको आज बताऊंगा। आज मौका है, मैं आपको पूरा संघर्ष बताऊंगा मेरा। किसी भी चीज़ को आप चाहते हो पाना, लेकिन आप उसे हासिल नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास वो संसाधन नहीं होते हैं, आपके पास में इतना पैसा नहीं होता है, आपके पास में इतनी व्यवस्था नहीं होती कि आप उसको पा सकें, या ऐसा कह दें कि आप इतने समर्थ नहीं हो कि उसे पा सको। और मैंने एक चीज़ देखी है कि इंसान को उस समर्थ बनने के लिए क्या करना है उसे पता ही नहीं है। चाहता हर कोई है, इच्छाएं हर किसी इंसान की होती है, लेकिन पा नहीं पाता है। हाँ, मैं गरीब परिवार में जन्म हुआ, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात का रंज नहीं है, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि उस गरीब परिवार से निकल करके अपना नाम कर सकूँ। मुझे एक ऐसी व्यवस्था मिली है और उस व्यवस्था का नाम है मोदी केयर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मोदी केयर। सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ एक लड़का, 1987 में बॉर्न हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। जयपुर आने के बाद भी उसके पिताजी ने सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवाया। क्यों? फीस कम लगती है, प्राइवेट स्कूल के लायक फीस हमारे पास नहीं थी दोस्तों। सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ था मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं बड़ा। हमेशा किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की, किसी न किसी अवसर की तलाश में रहता था मैं। ग्रेजुएशन के बाद में मैंने कुछ टेक्निकल कोर्सेज किए 3D एनिमेशन के, जिसमें इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग होती है, और मैंने जॉब स्टार्ट किया 2007-2008 के अंदर। 3 साल मैंने जॉब किया, 2007-2008-2009। जॉब करने के बाद में मुझे पता चल गया कि मेरे साथ भी वही होने वाला है जो मेरे पिताजी के साथ हुआ। क्या यही होने वाला है कि साहब जॉब से सिर्फ गुजारा चलता है, सपने पूरे नहीं होते हैं, और सपने पूरे करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मुझे काम की ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मुझे मेरा खुद का बिजनेस करना चाहिए। मैंने देखा कि कई लोग जिनके यहाँ पर जॉब करते हैं वो अच्छा इनकम अर्न करते हैं, उनके पास में गाड़ी होती है, उनके पास में बड़ा बंगलो होता है। इवन जहाँ पर मैं जॉब किया करता था, जो मेरे बॉस थे उनके पास भी बड़ा बंगलो था, अच्छी गाड़ी वो मेंटेन कर रहे थे। मेरा सपना था कि मैं भी उस व्यक्ति की तरह बनूँ, तो मुझे लगा कि मुझे भी ऑफिस अपना स्टार्ट करना चाहिए। मैंने उसके बाद में 2010 के अंदर अपना ऑफिस स्टार्ट किया और कुछ सालों तक मैंने उसको रन किया। ऑफिस खोलने के बाद में मेरा बिजनेस ग्रो भी हुआ और मुझे जो इनकम आया करती थी, अब मुझे कह देते हो, मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिला करते थे इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के, वो बिल्डर से मिला करते थे। लेकिन 2016 तक पीक पे मेरा बिज़नेस गया। 2016 नवंबर के अंदर जब नोटबंदी हुई, उस दिन मेरा बिज़नेस एकदम से बंद हुआ, क्योंकि नोटबंदी के बाद में जितने भी कंस्ट्रक्शन हाउसेज थे या फिर जितने भी बिल्डर्स थे, उनका काम ख़त्म हुआ और मुझे सिर्फ उन्हीं से ही बिज़नेस मिला करता था। उसके बाद मैं फिर एक बार रोड पर था, और इस बार रोड पर ऐसे था कि मेरे पास अब उठने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। 1.5 साल तक मेरे पास में कोई बिजनेस नहीं था। 1.5 साल तक मैं बिना बिजनेस के, बिना इनकम के रहा, और 17 से 18 लाख रुपए मुझ पे कर्जा हुआ। और जब 17 से 18 लाख रुपए आप पे कर्जा होता है ना, तो आपकी रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ खत्म हो जाता है। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है कि कर्जा कैसे चुकेगा। एक्स्ट्रा चीज़ों को चाहने के लिए वो कर्जा लेता है, और कर्जे के अंदर उसकी ज़िंदगी इतनी दब जाती है, और वो इस दुनिया जहाँ को छोड़ करके अपने बच्चों के लिए पीछे कर्जा छोड़ के जाता है। क्या देंगे अपने बच्चों को, यही मेरे दिमाग में था। मैं यही सोच रहा था कि इतना कर्जा मुझ पे हो गया, मैं इस कर्जों को कैसे ख़त्म करूँगा, मैं अपने बच्चों की लाइफ को कैसे और अच्छा बनाऊँगा, मैं अपने पिताजी और माताजी के सपनों को कैसे पूरा करूँगा, मेरे साथ साथ फेरे लेकर के जो अर्धांगिनी मेरी आई है, जो मेरी पत्नी है, उसके सपनों को मैं कैसे पूरा करूँगा, खुद के लिए जो देखे थे मेरे सपने उनको मैं कैसे पूरा करूँगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था।
आज से 22 महीने पहले मोदी केयर मुझे बताया गया, मुझे समझाया गया और मुझे ये बताया गया कि मोदी केयर में किस तरीके से मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ, किस तरीके से जो समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ, किस तरीके से जो मुझ पर कर्जा है मैं उस कर्जे को उतार सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ, ये सब कुछ मुझे बताया गया। लेकिन दोस्तों, मैं भी एक साधारण इंसान था। मैं भी उसी परिवेश से निकला हुआ हूँ जिस परिवेश से अधिकतर जनता निकलती है। और ये प्रोफेशन मुझे समझ में नहीं आया। मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई थी, आप इस प्रोफेशन से सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हो, आप इस प्रोफेशन से वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आपने अपने सपने देखे अपने परिवार के लिए, वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हो, वो सब कुछ मुझे बताया गया। मैं यूज़र ज़रूर बना, मैंने इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, नो डाउट इंटरनेशनल क्वालिटी के इसके प्रोडक्ट्स हैं और मुझे बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स लगे और मैंने यूज़ किए इनके प्रोडक्ट्स को। 4 महीने तक मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज़ करता रहा और मैंने ये देखा, मैंने एक दिन बैठ करके घर पे अपना और आत्ममंथन किया, मैंने एनालिसिस किया और मैंने पाया कि मैं गलत था और जिस व्यक्ति ने मुझे इस प्रोफेशन के बारे में बताया वो व्यक्ति सही थे, क्योंकि मैं और कर्जे में डूबता जा रहा था और उस व्यक्ति का लेवल मोदी केयर में और चेक बढ़ता जा रहा था। अपनी समस्याओं से जूझने के बाद में जब मैं थक हार करके बैठ गया तो मैंने एक ही निर्णय लिया कि अब मोदी केयर करना चाहिए। मैंने शुरुआत की दोस्तों 18 महीने पहले, और शुरुआत कठिन होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब। जी हाँ, मुझे बताया गया कि आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, नो डाउट मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा था। मुझे बताया गया कि आपको डेमोज़ देने हैं, इसके प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशन होते हैं। मैं अपना डेमो किट उठा करके लोगों को समझाया करता था, इसका प्लान दिया करता था, लोग मुझ पर हंसा करते थे। हंसा क्यों करते थे? क्योंकि इससे पहले एक बहुत अच्छे ऑफिस का मैं मालिक था, बहुत सारे लोग मेरे नीचे काम किया करते थे और मैं उनको तनख्वाह दिया करता था। बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स इंडिया के वो मेरे क्लाइंट्स थे और बहुत अच्छा मैं पैसा अर्न कर रहा था। मुझे लोगों ने कहा कि आपका इतना अच्छा बिजनेस है, आपको बिजनेस छोड़ने की और बिजनेस दूसरा स्टार्ट करने की क्या आवश्यकता है, आपको मोदी केयर जैसा काम, ये साबुन तेल सोडा शैम्पू जैसा काम करने की क्या ज़रूरत है। और मैं उन्हें क्या बताऊँ, दर्द तो मैं ही जानता हूँ दोस्तों, जो मुझ पर गुजर रही थी वो तो मुझे ही पता है। मैंने उन सब लोगों की हंसी को, उन सब लोगों के उपहास को समझा और यहाँ दबाया। मैंने गुस्से को पालना सीखा मोदी केयर में आने के बाद और डटा रहा अपने पथ पर। मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद में जो मेरे सपने थे वो आज पूरे हो गए हैं। जी हाँ, 17 से 18 महीने की मेहनत, बिना एक रुपया लगाए एक बिजनेस मैंने स्टार्ट किया मोदी केयर, और उस 17-18 महीने की मेहनत का नतीजा है 20 लाख रुपए की टॉप मॉडल टाटा हैरियर। जी हाँ, मुझे बताया गया था कि मोदी केयर सपनों का बिजनेस है, मुझे बताया गया था यहाँ सपने पूरे होते हैं। और एक साल पहले मैंने इस गाड़ी का सपना लिया था। इससे पहले पुराने बिजनेस से मैंने एक गाड़ी खरीदी थी, स्विफ्ट, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद में मैंने एक सपना लिया कि अब गाड़ी जो खरीदूंगा वो फ्री में खरीदूंगा और मोदी केयर से खरीदूंगा। और वो सपना मेरा 10 मार्च को पूरा हुआ। टॉप मॉडल टाटा हैरियर 20 लाख रुपए की गाड़ी मैंने खरीदी दोस्तों, और 1.5 लाख रुपए से ऊपर का मेरा पे आउट आ रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ ये शुरुआत है, बहुत आगे जाना है। और मैंने अपनी टीम के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं और मैं मेरी टीम को इस वीडियो के माध्यम से वचन देना चाहता हूं कि दोस्तों, आज मेरा सपना पूरा हुआ है, कल आपका होगा, परसों किसी और का होगा, उसके बाद में एक एक टीम मेंबर के सपने को पूरा जब तक नहीं करेंगे तब तक बैठेंगे नहीं। अंत में धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी सभी अपलाइन का। परमार सर, मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी परमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप नहीं होते, आप नहीं संभालते तो शायद मैं इस पथ पर इतना आगे चल नहीं पाता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा AK सिंह सर का, जिनकी वजह से आज हम इस प्रोफेशन में हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जगत नारायण सिंह सर का, जगत गुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी हमें संभाला है सर, आपने बहुत संभाला है सर, थैंक यू वेरी मच सर। अंत में मैनेजमेंट का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैनेजमेंट अगर नहीं होता तो आज शायद मोदी केयर इतना ऊपर नहीं होता और हम लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि मैनेजमेंट ही है जो इस बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी है, जिसने इस बिज़नेस को संभाला हुआ है। थैंक्स टू गॉड, थैंक यू वेरी मच।